नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेन मिश्रा स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, बहुत से प्रतिभागी मुझसे पूछ रहे थे कि सर, छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती जो कंप्लीट होने वाला है, जिसमें बहुत सारे पद थे, सूबेदार था, उप निरीक्षक था, उप निरीक्षक विशेष शाखा था, प्लाटून कमांडर था, अंगुल चेन का उप निरीक्षक था और उप निरीक्षक कंप्यूटर था, रेडियो था, टोटल 975 पदों पर ये भर्ती है। जो अगर बात करें, पूर्व में ये 655 पद था, बाद में इसे बढ़ा करके 975 पद कर दिया गया है। तो इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, साथ ही साथ इसमें आप सभी का जो पहला स्टेज है, मतलब शारीरिक नापतोल, ये होने वाला है। तो इसमें क्या क्या होगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, ये सारा का सारा चीज़ आज के इस वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो वीडियो को आराम से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। पद बताने की ज़रूरत नहीं है कौन कौन सा पद कितना कितना था। यहाँ पर हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है पहला, उसके बाद फिर क्या शारीरिक नापतोल में होगा इसको देखेंगे। देखिए, आप सभी को स्क्रीन के बगल में दिख रहा है शैक्षणिक अर्हता क्या क्या है। तो इसमें एक चीज़ बता दूँ, सबसे पहला चीज़ जो है, आपने जिस पद के लिए भरा होगा उस हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन रहेगा। सबसे पहला चीज़ इसमें जो बेसिक चीज़ है जो आप सभी को लेकर के जाना है वो पहले बता देता हूँ। आपको आपके 10वीं का जो मार्कशीट है ओरिजिनल, वो लेकर के जाना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका एज डिसाइड होगा। दूसरा, आपको 12th का लेकर के जाना है, ठीक है, क्योंकि कई सारे जो पद हैं जिसमें फिजिक्स वजिक्स के बारे में बोला गया है, तो वो समझिए 10वीं 12वीं तो कंपलसरी लेकर के जाना ही है। उसके बाद ये है पद जो आया है वो छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए है, तो आपको पास या आपको छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र लेकर के जाना ही है, वास्तविक निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, तीन डॉक्यूमेंट्स हो गए। चौथा है रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन। रोजगार कार्यालय में अगर आपका पंजीयन है तो उसको लेकर के जाइएगा, और अगर मान लीजिए कोई जॉब में होंगे तो NOC बनवा लीजिएगा। ठीक है, और मेन है रोजगार कार्यालय का पंजीयन जरूरी है, अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप अभी भी जा करके बनवा सकते हो, और अगर जॉब में हो तो जहाँ पे जॉब में हो वहाँ से एक लिखवा करके ले आ लेना कि हाँ मैं यहाँ पर जॉब में हूँ, और जो भी जिस प्रकार से बनता होगा NOC टाइप का वो बनवा लीजिएगा। आगे अगर देखें, अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो आपको आपका कैटेगरी जाति प्रमाण पत्र वो लगेगा। ठीक है, 10वीं 12वीं पंजीयन, छत्तीसगढ़ का निवास प्रमाण पत्र, और उसके बाद अगर किसी कैटेगरी से है तो कैटेगरी वाला। उसके बाद आगे अगर बढ़े तो ग्रेजुएशन मांगा है आपका, तो आप अपना ग्रेजुएशन जो यहाँ से भी किया, चाहे आपके पास BSc हो, इंजीनियरिंग हो, जो भी चीज़ हो, उसका पूरा का पूरा सेमेस्टर वाइज रख लेना, और अगर आपके पास फाइनल डिग्री है तो वो भी रख लेना। ठीक है, पेपर कम मत हो, भले आपके पास वहाँ पर पेपर एक्स्ट्रा हो जाए चल जाएगा, क्योंकि कई सारी चीज़ों में आपको निकाल देते हैं, वहाँ पर सीधा भगा देंगे। ठीक है, तो इतने सारी जो बेसिक पेपर्स हैं वो अपने साथ लेकर के जरूर जाना, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन, छत्तीसगढ़ का निवास, जाति प्रमाण पत्र और रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन। ठीक है, इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ साथ आप सभी अपने पास अपना ओरिजिनल आधार कार्ड जरूर रखिएगा, क्योंकि ये एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। आपको आधार कार्ड पकड़ लेना, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो पकड़ लेना, ठीक है, 2 से ज़्यादा रखोगे तो भी चल जाएगा, और अपने साथ किसी भी हालत में मोबाइल फ़ोन को लेकर के मत जाना। आप सभी बहुत सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को लेकर के जा रहे हो, तो इन सभी का भी ख्याल रखना आपकी की जिम्मेदारी बनती है। तो कोशिश करिएगा स्कूटी से जाएं, स्कूटी के डिक्की में हम बहुत सारी चीज़ों को डाल सकते हैं, खैर वहाँ पर आपको देगा भी, लेकिन एक चीज़ एडमिट कार्ड में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अपने साथ मोबाइल फ़ोन को मत लाना, तो आप सभी अपने मोबाइल फ़ोन को साथ में मत लेकर के जाइएगा। कोशिश करिएगा जहाँ पर आपको सेंटर मिला है एक दिन पहले आप परिचित हो जाए कि हाँ मेरा सेंटर यहाँ पर है नापतोल का, क्योंकि सुबह सुबह बुलाया है भटकना हो जाएगा। ठीक है, अब मेन है अलग अलग पद के लिए अलग अलग है, जैसे कि अगर मान लीजिए आप रेडियो वाला डाले होंगे तो आपके पास ET&T से डिप्लोमा होना चाहिए या इंजीनियरिंग होगा तो भी आप चल जाएंगे। ठीक है, तो अब डॉक्यूमेंट के बाद अब हम सभी चलते हैं क्या क्या इसके लिए शारीरिक अर्हता है। देखिए, पहले 163 सेंटीमीटर मांगा था, बाद में इसको 168 सेंटीमीटर कर दिया है, तो हाइट सबसे पहले आपका चेक किया जाएगा। ये देखिए कि 163 सेंटीमीटर ही लेगा हाइट को, भले यहाँ पर लिखा हुआ है 168 सेंटीमीटर, सभी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की जो न्यूनतम ऊंचाई है 168 सेंटीमीटर है, लेकिन मेरे ख्याल से वो 163 तक लेगा। आपका हाइट कैसे देखा जाएगा, एक उन लोग डंडा लगा दिए रहेंगे, उसके जो हाइट कम वाले हैं वो बाहर हो जाएंगे, जो उसके ऊपर या उसको टच करेंगे वो मतलब वो सेलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, पहला चीज़ आपका हाइट चेक किया जाएगा, आपका हाइट देखिएगा 163 सेंटीमीटर से कम मत हो, जनरल लड़कों मतलब सभी लड़कों का, और जो अगर लड़की है तो उसका जो ऊंचाई है वो 153 सेंटीमीटर इसमें लिखा हुआ है। ठीक है,
अब छूट जो है वो मिलेगा या नहीं मिलेगा ये वहाँ पर आपको जा करके पता चलेगा। ये जो लेटर है जो आया था उसके हिसाब से मैं आप सभी को बता रहा हूँ। मेरे ख्याल से इसमें 163 सेंटीमीटर कर दिया गया था बाद में लड़कों के लिए, और उसके बाद सीना फुलाना। आपका मिनिमम जो ये जो चेस्ट है ना ये आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। हो सकता है आपका ज़्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, चल जाएगा, लेकिन जब आप इसको फुलाओगे ना तो ये आपका पाँच जो है वो फुलना चाहिए लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब लड़कियों का सीना फुलाने वाला ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगर हम सभी देखें तो आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपको नॉकनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। नॉकनी मतलब होता है जब आप सभी खड़े होंगे जैसे कि इमेज में दिख रहा होगा, तो आपके जो दोनों घुटने हैं वो आपस में जुड़ने नहीं चाहिए। अगर वो जुड़ेंगे तो आप सभी जब दौड़ोगे तो दौड़ नहीं पाओगे, ठीक है, दौड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, तो आप सभी को नॉकनी नहीं होना चाहिए। अगला है आपके फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए, जो इमेज में यहाँ पर दिख भी रहा होगा आपको, जो पैर है नीचे तालू वहाँ पर सी ऐसे कर्व बनना चाहिए। अगर आपका ऐसा है तो आप रिजेक्ट हो जाओगे, ये बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है जनरली, ठीक है। तो इसमें आप सभी के कटने के चांसेस बहुत कम है। उसके बाद अगर देखें तो देखो अभी आँख का टेस्ट नहीं होगा, अभी ये सिर्फ आपका नापतोल है, आगे चल करके मेडिकल होना है, ठीक है। लेकिन अभी से मेंटली प्रिपेयर रहो, अगर आपका आँख जो है एक आँख जो है वो 6x6 होना चाहिए, मतलब उस आँख में कोई दोष नहीं होना चाहिए, और दूसरा आँख जो है वो 6x9 होगा तो चल जाएगा। याद रखना बिना चश्मे के बोला है, चश्मा नहीं लगाना है, ठीक है। तो जो भाई लोग चश्मा यूज़ करते होंगे तो वो तो समझिए कि अभी से ही लगभग कट गए हैं। अगर उनका एक आँख 6x6 और दूसरा 6x9 है तब तो ठीक है, वो अंदर है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं है तो फिर उनको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें होना है। और अगर मान लीजिए आप सभी को चाहिए कि हाँ सर मुझे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना है या क्या क्या बेसिक डिटेल्स है, कैसे कैसे चरण में एग्जाम होगा, तो चरण वाला तो मैं वैसे बता चुका हूँ बहुत सारे वीडियोस में। यहाँ पर इतना समझिए कि हमारा जो ऐप है भूपेंद्र मिश्रा, उसमें टेस्ट सीरीज चल रहा है छत्तीसगढ़ पुलिस का, जिसमें हम सभी ने पूरे का पूरे जानकारी, मतलब क्या उसका क्राइटेरिया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, वो सारे के सारे वहाँ पर फ्री में अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप सभी उसको देखना चाहते हैं तो हमारा जो ऐप है, ये वीडियो देख रहे हो, इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर के उसको इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री में आप सभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के जो राजपत्र में छपा हुआ है वो सारी चीज़ों को देख सकते हैं। फिर आगे जो फिजिकल में क्या क्या लगेगा, कितना दौड़ना क्या है, ये सारा चीज़ फिजिकल के समय बताऊंगा अभी, लेकिन वो जो PDF है उसमें डला हुआ है, जहाँ जाकर के पढ़ के आप सभी चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था, आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई डाउट हो कि हाँ सर फलाना पेपर जरूरी है या नहीं है कोई डॉक्यूमेंट्स, तो मुझसे ये वीडियो देख रहे हो उसके नीचे कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई दे दूंगा। और एक चीज़ बहुत लोग पूछते हैं कि क्या सर मैं अपना जो फिजिकल का डेट है वो चेंज करवा सकता हूँ, तो नहीं चेंज करवा सकते, फिजिकल का डेट चेंज नहीं होगा, उसी दिन होगा जिस दिन आपको एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो जरूर पूछेगा। वीडियो यहीं तक था, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।